तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ कैस्ट्रॉल के चारों वेरिएंट्स आपके सामने। सब ऑयल के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा और सबके बारे में बताऊंगा क्या है खूबियां, क्या है इनकी विशेषताएं, सब कुछ बताऊंगा, प्राइजेस वगैरह, और कौन सा ऑयल आपको यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए अपनी बाइक में, सब आपको बताऊंगा डिटेल में। उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं बाइक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाइट वाला जो एसेंशियल है इसके बारे में बात करूंगा। भाई ये ऑयल मैं तो रिकमेंड नहीं करता, एक बार देख लो आप इसका डिब्बा, इसकी एमआरपी जो है अभी वाली मैं बता रहा हूँ 342 रुपए एमआरपी आ रही है। 900 ml 1 लीटर का डिब्बा है और ये अराउंड 300, 310, 320 जो भी रेट में, सब अलग अलग रेट में बेचते हैं इसे। ये भाई SL ग्रेड का ऑयल है, इसमें लिखा भी होगा, देखो पीछे ये लिखा API SL, देख सकते हैं क्लियरली आप, SL ग्रेड का ऑयल है और ये प्योर मिनरल ऑयल है। अगर आप ये कोई बाइक में यूज करेंगे तो उसके बाद जो आप मतलब 1000 या 2000 2500 किलोमीटर मान लो चलाने के बाद जो इसमें से मतलब ऑयल निकलेगा ना, पूरा एकदम काला निकलेगा और ये इंजन को अच्छे से मतलब साफ भी नहीं रखेगा। तो मैं ये तो रिकमेंड नहीं करता हूँ भाई, बहुत सस्ता ऑयल है ये, मतलब कैस्ट्रॉल का आप समझ लो जो सर्वो वगैरह ऑयल आते हैं 200-250 की रेंज में, उस कैटेगरी का ऑयल है। सेकंड नंबर पे मैं आ जाता हूँ भाई एक्टिव, सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑयल है ये मार्केट में अभी, और सबसे ज्यादा प्रमोशन भी इसी ऑयल का होता है। सबसे ज्यादा खर्चा इस पे करती है कंपनी प्रमोशन करने में और बिकता भी खूब है। ये मेरे पास 1 लीटर है 20W40 है, इसमें 10-30 भी आता है, 20-50 आता है, 1.2 लीटर भी आता है और 15-50 भी आता है जो कि बुलेट वगैरह में डलता है, 2.5 लीटर में आता है। तो ये सब वेरिएंट्स में आता है, पल्सर के लिए आता है 1.2 लीटर में। और ये ऑयल मैं आपको दिखाऊंगा, पहली चीज ये सिंथेटिक टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑयल है। ये देखिए आप सिंथेटिक लेवल यहाँ लिखा होगा क्लियरली, अगर दिख रहा हो तो 3 पॉइंट दिए, 5 में से 3 है इसमें सिंथेटिक लेवल, आगे मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। तो ये प्योर मिनरल नहीं है, थोड़ा सा सिंथेटिक ब्लेंड है इसमें। ऑयल बढ़िया है, जिन्हें मतलब 2500-3000 किलोमीटर गाड़ी चलानी, अब कुछ लोग भाई ये बोले हैं कि हम तो 5000 चलाते, चल जाएगी बेशक, पर अच्छी गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए मैं बोलूंगा 2500-3000, 3000 मान लो आप, 3000 से ज्यादा इसे मत यूज करो। और बढ़िया साफ रखता है ये भी इंजन को, इतना बुरा ऑयल नहीं है, पर थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड है। इतने रेट में और भी अच्छे अच्छे ऑयल अवेलेबल है जो कि सेमी सिंथेटिक और ज्यादा इससे अच्छे है, बहुत ऑयल्स अवेलेबल है, मैंने बहुत वीडियो बनाए, आप देख सकते हो जाके भी, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। ये वाला ऑयल है जो 456 MRP में आ रहा है, थोड़े दिन पहले 400, ये 1 लीटर में इसलिए 456 MRP है, ये 400-410 का बिकता है 1 लीटर और 900 ml 370 से 380 का रिटेल में मिल जाएगा, अमेजोन वगैरह पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी फिर मैं आ जाता हूँ भाई थोड़े प्रीमियम कैटेगरी पे, जो कि गोल्डन डिब्बा आता है मेरे पास 900 ml में, 10-30 में ये वाला, और ये एक स्कीम के साथ आया था थोड़े दिन पहले, इंजन शैम्पू आता था इसमें, तो ये वाला ऑयल है मेरे पास। ये मार्केट में भाई 450-460 अलग अलग रेट में बिकता है, ये थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी का ऑयल है जो कि कैस्ट्रोल ऐसा बोलता है। अब इसमें देखिए आप सिंथेटिक लेवल में बताता हूँ, इसमें 5 में से 4 लिखा हुआ सिंथेटिक लेवल, तो ये है कि ये भी फुल सिंथेटिक नहीं है, ये आप सेमी सिंथेटिक बोल सकते हैं, 70% ब्लेंड बोल सकते हैं सिंथेटिक का। तो ये ऑयल ठीक है, मतलब इस रेंज में और भी अच्छे ऑयल अवेलेबल है, पर आप ये ले रहे हैं तो इतने में थोड़े और पैसे मिला के आपको मॉड्यूल का 5100 भी मिल जाएगा, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। और ये SN ग्रेड का ऑयल है, देख लीजिए आप API SN, थोड़ा सा पैकेट गंदा हो रहा है, पर ये SN ग्रेड का ऑयल है। ग्रेड्स क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और बढ़िया तरीके से, ग्रेड्स ये होती है ईयर के हिसाब से, मतलब कौन सा इंजन कब मैन्युफैक्चर हुआ कौन सा ऑयल डलना चाहिए वो रहता है ग्रेड्स का थोड़ा सा। तो भाई ये बिकता है 450 कुछ का और MRP जो है 510 रुपए आ रही है इसमें। तो ये ऑयल आप यूज कर सकते हैं, अराउंड आप चला सकते हैं भाई 4000 से 4500 किलोमीटर। अब ये मत बोलिएगा कि हमने 6000-7000 किलोमीटर चला है, चलने को चल जाता है, पर प्रॉपर लुब्रिकेशन कब तक देता है वो मैं बता रहा हूँ। इंजन साफ रखता है एकदम, पर थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड है ये मैं बोलूंगा। ऑयल बढ़िया है, बढ़िया है, और ये बुलेट के लिए भी आता है, 2.5 लीटर में भी मिलेगा आपको, 1.2 में भी मिलेगा, 20-50 भी मिल जाएगा, जैसा चाहिए सब मिल जाएगा, स्कूटर के लिए भी मिल जाएगा। और ये इंजन शैम्पू जो साथ में आ रहा है, ये इंजन शैम्पू मतलब इंजन फ्लश है, जो कि हम फ्लश करते हैं ऑयल, वो तो स्कीम के साथ आ रहा है। अब ये मतलब अब ये नहीं आ रहा, अब खाली डिब्बा आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास 1 लीटर का भी डिब्बा अवेलेबल है, तो ये ऐसा आ रहा है सिंगल पीस। लास्ट में मैं आ जाता हूँ भाई Power One Ultimate, सबसे कैस्ट्रॉल का सबसे बेहतरीन ऑयल है, और मैंने सबको कॉस्टलियर बताया, सबको मतलब महंगा बताया जितने भी कैस्ट्रॉल का भी ऑयल थे, पर भाई मैं इसे महंगा नहीं बोलूंगा, ये सस्ता है।
क्योंकि मार्केट में जो इस लेवल के ऑयल है ना वो बहुत महंगे। जैसे मॉड्यूल 7100 ही देख लीजिए आप, वो उसका रेट 1 लीटर का अराउंड 850, 800 का भी ऑफर में मिल जाता है, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इतने का बिक रहा है। ये आपको मतलब 1.2 लीटर ही भाई मैं 800 रुपये में बेच रहा हूँ अभी। ये 1.2 लीटर है 2050 जो कि पल्सर में डलता है, इसकी एमआरपी देख लीजिए आप 923 रुपये आ रही है। और ये भी एसएन ग्रेड का ऑयल है, और इसका सिंथेटिक आप देखिए, सिंथेटिक लेवल इसमें देखिए, फुल सिंथेटिक, पूरे 5 के 5 स्लॉट भरे हुए हैं। तो भाई ये बहुत बेहतरीन ऑयल है, इसमें अच्छे अच्छे मतलब एजेंट्स जो होते हैं ना डिटर्जेंट्स, वो बहुत अच्छे आते हैं, इंजन को एकदम क्लीन रखता है। आराम से 6000-7000 किलोमीटर आप खींच के गाड़ी चला सकते हैं। ये एक ऐसा ऑयल है, मतलब मॉड्यूल 7100 तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरा यही ऑयल फेवरेट है जो कि पल्सर जैसी गाड़ी को स्मूथ बना देता है। कोई ऑयल नहीं बना पाता है जितने है ना, गोल्डन वाला, सिल्वर वाला, वाइट वाला, कोई पल्सर के लिए बेस्ट नहीं है। अगर पल्सर आप यूज करते हैं तो मेरे हिसाब से ये ऑयल यूज करिए, और जो भी रिकमेंडेड ग्रेड है कंपनी के द्वारा वो वाला आप यूज कर सकते हैं। ये स्कूटर के लिए भी आता है जो काफी सस्ता आता है, 5-30 भी आता है, 10-30 भी आता है, 10-40, उसके बाद 10-50 भी आता है सुपर बाइक्स के लिए। 1.2 लीटर में आएगा, 1 लीटर में आएगा, 900 ml की पैकिंग नहीं आती इसमें, दो पैकिंग आती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी स्कूटर के हिसाब से अलग पैकिंग आती है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये ऑयल तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, ये अच्छा ऑयल है। बाकी मेरा पर्सनल फेवरेट मॉड्यूल 7100 है, उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको 50 का कूपन भी मिलता है जो कि रिटेलर लोग ही स्कैन कर सकते हैं, उनके पास ऐप रहती है। तो ये ऑयल बढ़िया है, फुल सिंथेटिक, ये मैं मानता हूँ कि भाई वर्थ ऑयल है। बाकी के ऑयल मेरे को नहीं लगता कि वर्थ है, मतलब है अच्छे ऑयल जैसे गोल्डन और सिल्वर, आपको पता ऑयल अच्छे हैं, पर ये है कि थोड़ा कॉस्टलियर साइड लगते हैं मेरे को इस रेट में, और भी ऑयल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो ये मैं आपको सारे ऑयल्स के बारे में बता चुका हूँ। व्हाइट वाले को तो मैं साइड हटा ही देता हूँ, इसे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। जिनकी गाड़ी ऑयल खा रही हो या जिन्हें 2000 किलोमीटर चलाना है बस, वो यूज कर सकते हैं। ये भी आप यूज कर सकते हैं, 3000 आपकी किलोमीटर रनिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कैस्ट्रोल ही डलवाना है तो। इसमें भी सारी ग्रेड्स आती हैं, ये भी अच्छा है, यूज कर सकते हैं कोई भी 125 cc गाड़ी, 150 cc गाड़ी में आप यूज कर सकते हैं। 125 से ऊपर जाते हैं आप, 125 cc तो 150 cc या 200 cc या जो भी सुपर बाइक वगैरह है तो आप भाई अल्टीमेट यूज करें, परफेक्ट रहेगा आपके लिए। छोटी गाड़ी में इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर दिक्कत ये महंगा आता है। छोटी गाड़ी में इतना कोई भगाना नहीं है आपको, वेयर एंड टेयर इतना होता नहीं है, परफॉर्मेंस बाइक में ज्यादा ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, तो आप ये यूज कर सकते हैं। आपको चारों ऑयल के बारे में मैंने बता दिया, अगर कुछ भी आपको सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी पर्सनल, मतलब आपको कुछ भी पूछना कौन सी बाइक में कौन सा यूज करूं आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं जरूर जवाब दूंगा। कुछ कुछ कमेंट मिस हो जाते हैं जरूर, उसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।